हाल ही में इंडिया में इलेक्टोरल बॉन्ड्स नामक चीज को लेकर एक बड़ा मुद्दा सामने आया है। ये पॉलिटिकल पार्टीज को दिए जाने वाले सीक्रेट डोनेशंस की तरह हैं, बिना किसी को पता चले कि पैसा कौन दे रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि यह एक प्रॉब्लम है क्योंकि इससे अमीर लोगों या कंपनियों के लिए बिना देखे पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करना आसान हो जाता है। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स फेयर नहीं है और लोगों के यह जानने के अधिकार के खिलाफ हैं कि पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है। उन्होंने बैंक से कहा कि वे ये बॉन्ड देना बंद करें और कौन दान दे रहा है इसकी डिटेल्स शेयर करें। इसके अलावा ऐसी भी चर्चा है कि एक पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी को इस तरह का बहुत अधिक डोनेशंस मिला, जिससे लोगों को हैरानी हुआ कि क्या उनके और बड़ी कंपनियों के बीच किसी तरह का कोई डील चल रहा है। यह एक बड़ा संकट पैदा कर रहा है क्योंकि यह इस बारे में है कि क्या हमारे इलेक्शंस फेयर हैं और क्या पॉलिटिक्स में पैसे का बहुत अधिक महत्व है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कैम को लेकर पूरा देश सदमे में है। Finance Minister Arun Jaitley today announced the contours of electoral bonds for funding of political parties. Government ने इसकी शुरुआत इसलिए की ताकि लोग political parties को अपना पैसा donate कर सके बिना किसी को बताएं। लेकिन इससे कुछ लोगों को यह लगने लगा कि बड़ी parties को अधिक पैसा मिल सकता है और वे donors को favor कर सकते हैं। Especially सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी को इस तरह का बहुत सारा donations मिला, जिससे एक संदिग्ध डील का संदेह पैदा हो गया। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये ठीक नहीं है और उन्हें रुकने को कहा। इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कैम ने बड़ा हंगामा मचाया क्योंकि रूलिंग पार्टी को ज्यादातर पैसा बिना किसी को बताए मिल गया कि पैसा किसने दिया। इससे बहुत से लोग चिंतित थे क्योंकि ऐसा लग रहा था कि अमीर और बड़ी कंपनियां सीक्रेट रूप से पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस कर सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा काम किया और कहा कि यह सही नहीं है, इसलिए उन्होंने इस प्रैक्टिस को रोक दिया। इसका ऑब्जेक्टिव लोगों को यह बेहतर महसूस कराना था कि पैसा और पॉलिटिक्स कैसे मिलते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड्स एक ऐसा सिस्टम था जिसके मदद से कोई भी अपना पैसा पॉलिटिकल पार्टीज को दान दे सकता था बिना किसी को कुछ भी बताएं। लेकिन इससे कुछ लोगों को चिंता होने लगी क्योंकि इससे सीक्रेट डील्स हो सकते थे। लेकिन तभी सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा काम किया और कहा कि यह सही नहीं है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रैक्टिस को बंद करने के लिए कहा और यह भी कहा कि पॉलिटिकल पार्टी को पैसा देना सही है, लेकिन यह सभी को पता होना चाहिए कि यह चंदा कौन दे रहा है और किस लिए। 2018 में भारत के नेताओं ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स पेश किए। इलेक्टोरल बॉन्ड का मेन पर्पस यह था कि लोग बिना कुछ बताए अपना पैसा गुप्त रूप से दान कर सके किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, ताकि इलीगल फंड्स को पॉलिटिक्स में आने से रोका जा सके। लेकिन इससे कुछ लोगों को आश्चर्य हुआ कि क्या यह वास्तव में मददगार था या इससे चीजें कम स्पष्ट हो गईं। उन्होंने इस बात पर बहस की कि क्या यह अच्छा था क्योंकि इससे इलीगल फंड्स रुक गया, या बुरा क्योंकि इससे यह देखना कठिन हो गया कि पैसा कहां से आ रहा था। 2017 में पीएम मोदी के लीडरशिप में इंडिया ने ट्रांसपेरेंसी और इंटेग्रिटी के लक्ष्य के साथ पॉलिटिकल पार्टी फंडिंग में सुधार के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स पेश किए। It deals with transparency in political funding. Even 70 years after independence, the country has not been able to evolve a transparent method of funding political parties, which is vital to the system of free and fair elections. 2018 में इंडियन पॉलिटिक्स में छिपे हुए पैसे की समस्या से निपटने के लिए चीजों को स्पष्ट करने की उम्मीद में इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लाया गया। लेकिन कुछ लोगों को चिंता होने लगी कि क्या वे सचमुच अच्छा काम कर रहे हैं। उन्हें हैरानी हुआ कि क्या ये बॉन्ड्स वास्तव में पॉलिटिकल फंडिंग को समझने में आसान बना रहे हैं या क्या वे सिर्फ कंफ्यूजन बढ़ा रहे हैं। इंडियन पॉलिटिक्स में इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर बड़ा घमासान मचा हुआ है। कुछ लोगों ने सोचा कि यह पॉलिटिकल पार्टीज को चंदा देने का एक स्पष्ट तरीका है, लेकिन दूसरों को चिंता थी क्योंकि डोनर्स गुप्त रह सकते हैं, इससे करप्शन हो सकता है। लोग चिंतित थे, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड को बंद कर दिया जाए ताकि इंडियन पॉलिटिक्स में फिर से सब चीज सही और क्लियर हो सके। इंडियन पॉलिटिक्स में इलेक्टोरल बॉन्ड्स लोगों को कुछ भी बताए बिना पॉलिटिकल पार्टीज को चंदा देने का सुविधा देता है। इससे कुछ लोगों को चिंता हुई कि रूलिंग पार्टी को स्पेशल ट्रीटमेंट मिल सकता है। यह फैक्ट कि डोनर्स गुप्त रह सकते हैं, लोगों को हैरानी हुआ कि क्या पॉलिटिक्स में चीजें फेयर थीं। इंडियन डेमोक्रेसी में इलेक्टोरल बॉन्ड्स ने पॉलिटिकल फंडिंग को गुप्त बना दिया, जिससे लोगों को डोनर्स के प्रति फेवरेटिज्म दिखाने की चिंता होने लगी। खुलेपन की कमी के कारण यह देखना कठिन हो गया कि नेता फेयर हैं या नहीं। इंडियन पॉलिटिक्स में इलेक्टोरल बॉन्ड्स विशेष वाउचर्स की तरह थे,
जिन्हें आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से खरीद सकते थे। लोगों ने इन बॉन्ड्स को खरीदने के लिए अपने पैसे का इस्तेमाल किया और उन्हें पॉलिटिकल पार्टीज को उपहार के रूप में दिया। फिर पार्टीज उन्हें बैंक में कैश के बदले बदल सकती हैं। यह एक तरह से मिस्ट्री गिफ्ट कार्ड खरीदने जैसा था, क्योंकि इसे खरीदने वाला व्यक्ति अननोन रहा। भारत के इलेक्टोरल बॉन्ड्स की कहानी में प्रत्येक बॉन्ड में एक स्पेशल कोड होता था, एक छिपे हुए नेम टैग की तरह। यह कोड कभी कभी यह पता लगाने में मदद कर सकता है कि किसने किस पार्टी को पैसा दिया। इसीलिए भले ही उन्हें गुप्त माना जाता था, ये कोड्स कभी कभी डोनर्स और पॉलिटिकल पार्टीज के बीच कनेक्शंस को रिवील कर देते थे। इंडिया की डेमोक्रेटिक कहानी में इलेक्टोरल बॉन्ड्स को पॉलिटिकल फंडिंग को साफ करने वाला माना जाता था, लेकिन इससे चीजें कम स्पष्ट हो गईं। इससे यह देखना मुश्किल हो गया कि पैसा कहां से आ रहा है, जिससे लोग चिंतित थे। उन्हें चिंता थी कि सबसे अमीर लोगों के पास बहुत अधिक शक्ति हो सकती है और वे चीजों को चलाने के तरीके को बदल सकते हैं। इंडिया के इलेक्शंस में इलेक्टोरल बॉन्ड्स ने यह देखना कठिन बना दिया कि पॉलिटिकल पार्टीज को कौन पैसा दे रहा है। इसका मतलब यह था कि डोनर्स अपनी पहचान गुप्त रख सकते थे। क्लैरिटी की कमी ने लोगों को चिंतित कर दिया, क्योंकि इससे यह जानना मुश्किल हो गया कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस में चीजें फेयर थीं या नहीं। भारत के चुनावों में इलेक्टोरल बॉन्ड्स ने बड़ी समस्या खड़ी कर दी। इन बॉन्ड से सबसे बड़ी पार्टी को 82% पैसा सिर्फ एक साल में मिल गया। इससे चीजें वास्तव में असमान और उचित नहीं लगने लगीं। लोगों को चिंता थी कि इससे पॉलिटिक्स में काम करने का तरीका बदल सकता है, जिससे हर किसी के लिए अपनी बात कहना कठिन हो जाएगा। इंडिया के इलेक्टोरल बॉन्ड्स की कहानी में संभावित गलत काम को लेकर चिंताएं थीं। लोगों ने कंपनियों द्वारा इन बॉन्ड्स के माध्यम से बड़ा दान देने और फिर बदले में इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट्स प्राप्त करने के बारे में बात की। इससे लोगों को लगा कि शायद सीक्रेट डील्स हो रहे हैं। कभी कभी जब अथॉरिटीज द्वारा कंपनियों की तलाशी ली जाती थी, तो वे अचानक बहुत सारे बॉन्ड्स खरीद लेती थीं, जिससे ऐसा लगता था कि उन पर दबाव डाला जा रहा था या उन्हें इन्फ्लुएंस किया जा रहा था। इससे पता चला कि बॉन्ड्स केवल पार्टीज का सपोर्ट करने के बारे में नहीं थे, बल्कि ट्रेडिंग फेवर्स करने और गुप्त रूप से काम करने के बारे में भी थे। आप सबको याद होगा उत्तराखंड में जो सुरंग गिरी थी, 41 मजदूर ट्रैप हो गए थे उसके अंदर। उस सुरंग को बनाने का जो कॉन्ट्रैक्ट था, पता है किस कंपनी को दिया गया था? नवयुग इंजीनियरिंग नाम की कंपनी को। और इस कंपनी ने 2019 और 2022 के बीच में 55 करोड़ की इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदी थी। अब पता चला कि इस कंपनी पर कोई भी कार्रवाई क्यों नहीं हुई थी। पॉलिटिक्स में पैसा कहां से आता है, इसके बारे में ईमानदार होना हमारे डेमोक्रेसी को फेयर बनाए रखने के लिए इम्पोर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।